खरगोन जिले के वनवासी अंचलों में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हाल ही में सिरवेल में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से खुले पोर्च में एक आदिवासी महिला का प्रसव होने का मामला सामने आया था। यह मामला अब तक थमा नहीं था कि बिस्तान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ ANM और स्टाफ नर्स पर मनमानी के आरोप लगने लगे हैं। सोमवार को बिस्तान क्षेत्र के रहवासी कलेक्ट्रेट और CMHO कार्यालय पहुंचे। यहां दोनों स्वास्थ्य कर्मियों की नामजद शिकायत करते हुए दोनों के स्थानांतरण की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पदस्थ स्टाफ नर्स अस्पताल के सामने खुद की किराना दुकान का संचालन करती है, इस कारण अस्पताल में समय नहीं देती। इसी तरह ANM भी स्टाफ नर्स के साथ मिलकर उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों से रुपए की मांग करती है। खासकर गर्भवती महिलाओं से 2-2 हजार रुपए मांगे जाते हैं, नहीं देने पर खरगोन रेफर किया जाता है। कई बार इनकी शिकायत की, लेकिन राजनीतिक प्रभाव से वर्षों से यही पदस्थ होकर मनमानी कर रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि दोनों का स्थानांतरण कर नया स्टाफ नियुक्त किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। राधा कुशवाहा द्वारा मरीजों को आदमी से व्यवहार किया जाता है और 2-2 हजार रुपए की मांग की जाती है, तो हम ये चाहते हैं कि उन्हें, इसके पहले राधा कुशवाहा को हटा भी दिया था, भोपाल से आदेश आ गया था उनका, उनके बाद भी उनको वापस बुलाया गया। तो हम ये चाहते हैं कि उनको हटा दिया जाए, और किराना दुकान उनके सामने रहती है तो वहीं से ड्यूटी करते हैं, मतलब हॉस्पिटल के ठीक सामने उनकी दुकान, अंदर नहीं आते। मैंने, हम कभी कोई से अगर जरूरत पड़ती है ना तो वहाँ जाना पड़ता उनको बुलाने। स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीण आए थे ज्ञापन देने, उनका आरोप है कि वहाँ जो पदस्थ महिलाएं हैं वो 2-2 हजार रुपये डिलीवरी के नाम से और लापरवाही करती है, हॉस्पिटल में आ भी नहीं पाती। ये अभी आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में शिकायत आई है, मैं इसको दिखवाता हूँ, मैं विस्तृत जांच इसकी करूँगा, दिखवा लेता हूँ इसको क्या है मैटर। डॉक्टर मतलब जेल सिस्टर है, नहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। अस्पताल जाते हैं, कुछ भी समस्या रहती पूछते हैं तो हमको सीधा सा जवाब नहीं देते, और डिलीवरी करते हैं तो पैसे लेते हैं, 1000-1000 रुपए लेते हैं, और कोई भी समस्या आती है पूछने को जाते हैं तो बोले यहाँ आपसे होएगा नहीं, खरगोन ले जाओ, डायरेक्ट खरगोन ही पहुँचाते। तो आप वो दुकान पे उनको बुलाने को जाओ, जब दुकान छोड़ के आते अस्पताल में, ड्यूटी पे नहीं आते, टाइम से ड्यूटी पे नहीं आते। डिलीवरी होएगी अपन ले जाएंगे मरीज को, जब उनको बुलाने को जाओ घर, जब वो वहाँ से आएंगे। आपने पहले कहीं शिकायत की है क्या? अभी तो पहली बार कर रहे हैं शिकायत सर। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग कर? मांग यही, उनको हटाओ भाई, नहीं तो फिर समस्या हल करो, दुकान चलाओ या फिर नौकरी कर लो। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता। हम बिस्तान से आए हैं और हम स्वास्थ्य हॉस्पिटल की मांग के लिए भी आए थे इसके पहले, और उसके बाद अभी क्या है कि हमारे यहाँ की जो नर्स है उन्हें 2-2 हजार रुपए लेती है, जो कि इसने राधा कुशवाहा जी है उसका ट्रांसफर भोपाल से हो गया था, उसके बाद भी उसको वापस बुलाया गया। इसके पूर्व में हमने एक आवेदन दिया था निर्मला जैन राधा कुशवाहा के बारे में, उन्होंने क्या करा, हमको धमकी दे के हमारे नाम से FIR भी दर्ज कर दी थी, वहाँ पे आवेदन दे दिया था कि अगर आप हमारी शिकायत नहीं हटाओगे तो हम आपके नाम से FIR कर देंगे। तो हम इसलिए आए हैं कि ये पैसे लेते हैं 2-2 हजार रुपए। क्या समस्या आ रही? अभी वही समस्या आ रही, डिलीवरी के टाइम डिलीवरी में 2-2 हजार रुपए लेते हैं, और हॉस्पिटल में सही ड्यूटी नहीं देते हैं, किराना दुकान सामने चलाते हैं, उनका मकान हॉस्पिटल के सामने है, वो किराना दुकान चलाते हैं, वहाँ से बुलाने जाना पड़ता है उनको घर, उनकी फील्ड है, बड़ी मैडम है वहाँ से वहाँ तक, बाकी वो फील्ड है, फील्ड भी नहीं करते हो, घर से ड्यूटी करते। हम ये मांग कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए, पैसे 2 हजार रुपए लेते हैं डिलीवरी में, बोले बच्चा आउंडा होगा, ऐसा होगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय मराठा, बिस्तान। जो बिस्तान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर पूरी लापरवाही है ना, कोई सुनवाई नहीं करता। अगर गरीब व्यक्ति आता है, अगर डिलीवरी होती है तो उसको है ना इतना परेशान किया जाता है जिसका जवाब नहीं। वो हमारी जैन मैडम है, एक कुशवाहा मैडम है, इन्होंने धंधा बना के रखा है बिस्तान में, 2-2 हजार रुपए डिलीवरी के ले रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि उनको यहाँ से हटाया जाए। ड्यूटी पे आते कि? ड्यूटी पे आते नहीं ना, उनकी दुकान चलाएंगे कि वो ड्यूटी पे आएंगे? कहाँ पर है? बिस्तान में, और उनकी दुकान भी बिल्कुल अस्पताल के सामने, एक बार उनका भोपाल से आ भी गया था ट्रांसफर आर्डर। बाकी पैसे वाले लोग है ना, गरीबों को क्या समझते वो? क्या मांग करते? मांग यही करते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमारी ये सुनवाई हो सरकार से, हमारी एक दरखास्त है कि इनको वहाँ से हटाया जाए, दोनों को, कुशवाहा मैडम को और जैन मैडम को, क्योंकि गरीब आदमी आदिवासी आता है उसको रात में परेशान करते हैं, 2-2 हजार रुपए मांगते हैं, और बिस्तान में लगभग नहीं तो भी तो 40% बच्चे मर चुके हैं इन्हीं दोनों के कारण।
ये ध्यान देते नहीं है, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते। क्या नाम है आपका? गोविंद चौहान नाम है मेरा। जैन सिस्टर डिलीवरी करते ना तो बहुत कड़क बोलते हैं, और डिलीवरी के समय किसी से पैसे भी लेते हैंगे, और कभी नहीं डिलीवरी करना रहता तो खरगोन पहुंचा देते। क्या मांग करते हैं पैसों की? हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं जो दुकान भी चला दे और ड्यूटी भी करते हैंगे, तो एक काम कोई भी सा भी कर ले, दुकान चला ले या नौकरी कर ले। तो ड्यूटी पे आते नहीं क्या? आते नहीं सही ढंग से, और आते भी है तो मतलब खरगोन के लिए रेफर कर देते। क्या नाम है आपका? किरण। कहाँ रहते हो? मिष्ठान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।